हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश में सियासी संकट गहरा गया है। कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों का खींचतान का मिडनाइट शो गुरुग्राम के मानेसर के आईटीसी रिजॉर्ट में देखने को मिला। यही इस वक्त की बड़ी खबर। रात में गुरुग्राम के आईटीसी रिजॉर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह कांग्रेस विधायकों को लेने पहुंचे। तस्वीरें भी आई हैं हमारे पास, वो भी दिखाएंगे आपको। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह विधायकों को लेकर होटल के बाहर निकल रहे थे। तस्वीरें हैं हमारे पास। गुरुग्राम के आईटीसी रिजॉर्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे अगले कुछ सेकंड में कि एमपी कांग्रेस के मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह विधायकों को लेकर कैसे निकल रहे हैं। देखिए, इस बीच विधायकों और वहां मौजूद लोगों में बहस भी हुई है और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से कमलनाथ सरकार पर ऑपरेशन कमल की तैयारी कर ली गई है लगभग। और तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब हंगामा हो रहा था इस बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस लगा रही है आरोप कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना चाहती है और गुरुग्राम में 11 विधायकों को ले जाने के पीछे आखिरकार साजिश क्या। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सामान ले जाते विधायक आपको दिख रहे हैं। विधायकों को बनाते जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं सवाल, कमलनाथ सरकार पर क्या ऑपरेशन कमल का संकट है। मानेसर की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आप बीएसपी विधायक रामबाई को देख रहे हैं। रामबाई का सूटकेस पकड़ के उनके एक सहयोगी ले जा रहे हैं और यहाँ पर दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जयवर्धन सिंह दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं जो कि मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, इंदौर से विधायक हैं। रामबाई जो बीएसपी की विधायक हैं, वे भी यहां पर ठहरी हुई थी, उनको मान मनोबल करके ले जाया गया है। हम आपको बता दें कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया हुआ है। दोनों के मिला के कुल 3 विधायक हैं और इन 3 विधायकों सहित बाकी 4 विधायक भी इसी आईटीसी मानेसर होटल में ठहरे हुए थे। इसके अलावा 3 विधायक जो कांग्रेस के हैं, बिसाऊलाल सिंह, रघुराज कंसाना और कमलेश जाटव, ये भी इसी आईटीसी मानेसर होटल में ठहरे हुए थे। कांग्रेस के तमाम नेता, जिसमें खुद दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, वो रात भर दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है आपको सुन लेना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया, सुनवाते हैं आप। हमें मालूम पड़ गया था कि ये लोग इस तरह का लालच दे रहे हैं लोगों को और परसों ही मैंने इसकी पोल खोल दी थी। उसमें बाकी लोग तो कोई नहीं आए थे, कुछ लोग आ गए थे इनके प्रलोभन में। तो जब हमें मालूम पड़ा तो जीतू पटवारी और जयवर्धन तो वहाँ चले गए थे आईटीसी ग्रैंड मानेसर में, तो वहाँ इन लोगों से संपर्क हो गया था। तो जिनसे संपर्क हो गया था वो वापस हमारे साथ आने तैयार थे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पूर्व मंत्री, ये सब लोग वहाँ उनको पैसे देने वाले थे। वहाँ पे अगर छापा डल गया होता हमने तो आज वो पकड़ लिया होता। लेकिन शासन हरियाणा में भाजपा का है, हमें गेट पर रोक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनसे संपर्क हो गया था, बिसावलाल सिंह जी से भी और रामबाई से। रामबाई तो हमारे साथ वापस लौट आई। वैसे अंदाजा था करीब 10-11 विधायक थे, लेकिन 4 रह गए उनके पास, वो भी आ जाएंगे हमारे पास। इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की सरकार सुरक्षित है, सुरक्षित थी और सुरक्षित रहेगी। पूरे 5 साल तक कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। तो कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो ऑपरेशन कमल चला रही है ना बीजेपी, उसकी तो मैंने परसों ही हवा निकाल दी थी। अब केवल 4 बचे हैं जिनको हम वापस बुला लेंगे, क्योंकि गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है बीजेपी की सरकार, इसलिए दिक्कत बड़ी है। ये देखिए हमारी स्क्रीन में अगले 3-4 सेकंड में हमारी सहयोगी मदीहा खान आ गई है। मदीहा, आप अब बताइए क्या अपडेट गुड़गांव से निकल कर आ रही है, कितने अभी है अंदर, कितनों को बाहर निकाला गया है।
देखिए कुमकुम, बताना चाहूंगी कि आधी रात से ही जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें हलचल मच गई थी। कांग्रेस की तरफ से आरोप आना शुरू हो गए थे कि उनके कुछ विधायक जो हैं वो आईटीसी ग्रैंड भारत जो मानेसर हरियाणा में है वहां पर बंधक बने हुए हैं बीजेपी द्वारा। जैसे ही हम वहां पहुंचे हमें पता चलता है कि आधी रात को जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कोशिश की कि वो अपने विधायकों को वहां से ले आएं। उसके बाद सिर्फ एक ही विधायक यानी कि जो बीएसपी से निलंबित विधायक हैं रामाबाई, उनको लाने में वो लोग कामयाब हो गए, बाकी विधायक अंदर ही मौजूद थे। लेकिन कुछ देर बाद जब दिग्विजय सिंह का बयान आता है तो दिग्विजय सिंह ने बताया कि 10 से 11 विधायक उन्हें लगता है कि वहां मौजूद थे, लेकिन अभी भी दिग्विजय सिंह के मुताबिक 4 विधायक जो हैं अंदर अभी भी आईटीसी ग्रैंड भारत मानेसर हरियाणा में अभी होटल के अंदर ही मौजूद हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधिया। ये जो ड्रामा है प्रतिमा, ये अभी चलेगा कुछ दिन और, जो हमारे सूत्र हैं होटल में या कांग्रेस के भीतर या बीजेपी में, वो लगातार बता रहे हैं कि जो कोशिशें जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो दरअसल सरदर्द बने हुए हैं। तीन जो बागी विधायक हैं जिसका नाम दिग्विजय सिंह ने भी लिया, उसमें हमारे साथ ब्रजेश राजपूत खुद जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश भोपाल से, वे इस बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी दे पाएंगे। ब्रजेश, ये जो बगावत की शुरुआत हुई थी बिसाऊ लाल सिंह, कमलेश जाटव, इन लोगों ने की थी, और यही लोग अब इस कैंप में हैं या नहीं है, स्थिति क्या साफ है, कितने कांग्रेस के बागी विधायक हैं जो अभी इस वक्त बीजेपी के खेमे में हैं? हाँ विकास, आपको मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। जैसे ही मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बने हैं, उसके बाद से बीजेपी के नेताओं ने पूरा गेम प्लान तैयार कर दिया है कि बीडी शर्मा को आगे करके बाकी जो नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के बीच जो मतभेद थे उनको दूर किया गया। और फिर जैसे ये बीजेपी के नेता लोग बार बार कहते थे कि हमारे ऊपर के नेता यदि श्री हरी झंडी दे दें तो हम कांग्रेस सरकार कभी भी गिरा देंगे, तो ऐसा लग रहा है कि उनको हरी झंडी दे दी गई है और उसके बाद ये पूरा एक्शन प्लान शुरू हो गया है। ये पूरा घटनाक्रम पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। कांग्रेस को दिग्विजय सिंह को 2 दिन पहले पता लगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद आनंद फानंद में सारे विधायकों को, कम से कम 10 विधायक इन लोगों से संपर्क में है बीजेपी के नेताओं से। और ये पूरा गेम प्लान ये था कि जो राज्यसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में इस महीने के आखिर में होना है उसमें बीजेपी के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे क्रॉस वोटिंग करवाते और बीजेपी अपनी दो लोगों को यहाँ से जिताती, उसके बाद ये 2 फाड़ हो जाती कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के विधायकों में एक भगदड़ मचती और उसके बाद फिर कभी भी जो मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र होने वाला है उस विधानसभा के सत्र में कभी भी मत विभाजन की मांग करके सरकार गिराने की कोशिश होती अभी भी समझे जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लगातार, क्योंकि पूरा दिन एक्शन रहेगा इस खबर पर, तो रिएक्शन मुझे आपसे लेना है। लेकिन प्रतिमा, कुछ महत्वपूर्ण है आपके पास। देखिए, मिडनाइट ड्रामा जो हुआ है उसको लेकर एक शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की स्थिति क्या है, ये समझना भी तो जरूरी है आपके लिए कि ये जो फुल ऑन ड्रामा हुआ है कल रात उसके पीछे की राजनीति क्या है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की। बहुत ही शानदार ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, कुल सीटें हैं 230, ये आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं कि कुल सीटें विधानसभा की यहां पर है 230, जिसमें कांग्रेस के पास है 114 विधायक, बीजेपी की अगर बात करें तो 109 विधायक है उनके पास, निर्दलीय यहां पर 4 है और बीएसपी के पास यहां पर 2 विधायक हैं। आपको बता दें 116 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए यहां पर, और कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है मध्य प्रदेश विधानसभा की जो आंकड़ों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा भी हमने आपके सामने रख दिया और इसी को लेकर पूरी खींचतान चल रही है, क्योंकि कोशिश बीजेपी की तरफ से ये कि अगर बागी होते हुए विधायक दिखे तो तुरंत जो है सरकार बनाने की तैयारी कर ली जाए। लेकिन सरकार से सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में क्या लोगों के वोट की कोई कीमत नहीं है? यहां पर बड़ा सवाल, हम आपको बता दें कि या आपको देख हम बता रहे हैं कि सरकार के पास कुल मिलाकर 121 विधायक हैं, ये दावा कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके की स्थिति है यहां पर आपके सामने हमने रखी है। विकास, जो स्थिति आप देख रहे हैं क्या कहेंगे उस पर, मतलब पूरा आंकड़ा तो हमने जनता के सामने, देखिए इसमें कुछ बदलाव है। बीजेपी के 2 विधायक थे, एक शरद कौल और दूसरे थे नारायण त्रिपाठी, उन्होंने तकरीबन आज से 5 महीने पहले विधानसभा के फ्लोर पर बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब वो बीजेपी में नहीं है। तो ये जो नंबर है टोटल विधानसभा का, वो अब कांग्रेस का नंबर 114 से बढ़कर 116 हो गया, दोनों खेमे हुए और जो अभी बगावत है कांग्रेस खेमे में वो ज्यादातर विधायक जो है वो सिंधिया खेमे के हैं और सिंधिया खेमे के
जो सिंधिया खेमे के विधायक हैं उन्होंने ही इस समय बगावत की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है और इन्हीं विधायकों को मनाने के लिए क्या दल बदल कानून की आंच इन लोगों पर नहीं आ सकती है विकास? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अगर आप सर पर कफन बांध लें और ये सोच लें कि हम तो वोट खिलाफ करेंगे और उसके बाद फिर इस्तीफा देंगे और चुन के दोबारा आ जाएंगे, तो फिर कौन रोक सकता है किसी को वोट करने से? ये तो भय तब तक है जब तक आपको अपनी कुर्सी जाने का भय हो। दरअसल पूरा जो खेल है, जो लालच है, जो गोटियां हैं, वो तो कुर्सी के इर्द गिर्द ही है। और अगर आप विधायक बन गए और वो भी ना मिले, उसका सुख भी ना मिले, तो फिर कहा किस बात की विधायकी? यही सोच है देखिए भारतीय राजनीति की, यही स्याह सच है भारतीय राजनीति का। आप मुस्कुरा सकते हैं इसमें, लेकिन हमारे लिए शर्म की भी बात है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।